जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी थी एसएसबी की, वो अभी तक पेंडिंग में थी, तो उसके बारे में कई मेरे दोस्तों के कमेंट आए मेरे मैसेज बॉक्स में कि सर 29 सितंबर से बात सुनने में आ रही है कि इसके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। आज इसी बात को मैंने कन्फर्म किया और मेरा एक दोस्त है FHQ दिल्ली में, तो मैंने उससे पूरी जानकारी ली कि क्या ये बात सच है और क्या झूठ है, क्या 29 सितंबर को हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसने मुझे क्या बताया, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा, और ये जो बात है ये कन्फर्म सही है जो मैं मेरे द्वारा बताई जा रही है। मैंने बिल्कुल ही कन्फर्म करके आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन इसलिए कि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो आप तक समय तक पहुंच सके। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी है उसके जो फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं वो 29 सितंबर से ही स्टार्ट होंगे उसके फिजिकल। उसके लिए बोर्ड प्रोसीडिंग बन के तैयार हो गई है और बस उस पर कल साइन भी हो जाएंगे बोर्ड प्रोसीडिंग पे और फिर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसमें जो बोर्ड प्रोसीडिंग बनी है उसमें 3 सेंटर दिए गए हैं दोस्तों। एक तो दिल्ली दिया गया है और दूसरा गोरखपुर दिया गया है और तीसरे सेंटर का नाम उसने मुझे बताया नहीं कि कौन सा सेंटर है। जहाँ तक है उसे भी इस बात का पूरा नहीं उसने देख पाया कि सेंटर कौन सा। उसने 2 सेंटरों का मुझे बताया, दिल्ली में 25 बटालियन है गिटोरनी, तो वहाँ पर आपका सेंटर एक रहेगा, जैसे राजस्थान हरियाणा वाले हैं और यूपी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, जो समथिंग बॉर्डर के एरिया के जो क्षेत्र हैं उनके सभी के इसमें पड़ेंगे। और यूपी के जो उधर साइड का एरिया है, यूपी पूर्वांचल साइड का, उनके ज़्यादातर गोरखपुर के गोरखपुर में पड़ेंगे और जो बिहार साइड के उनके भी गोरखपुर में पड़ेंगे। SSB के हेड कॉन्स्टेबल कम्युनिकेशन में फॉर्म अप्लाई किया है वो अपने अपने फिजिकल की तैयारी करें और आज से ही दौड़ लगाना स्टार्ट कर दें दोस्तों। दौड़ इसकी 1600 मीटर की होगी और 7.5 मिनट में होगी, तो आपको ये पूरा अपना कंफर्म कर रहा है कि कैसे क्या इसकी दौड़ करनी है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, तो जो भी महिला और पुरुष आवेदक हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कर लें अभी से ही। और अगर इसके अतिरिक्त किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो वो मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।